बंगलुरु में शुरू हुई G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक जारी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में कल थमेगा चुनाव प्रचार, सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। और उपराजधानी दुमका में आज से शुरू होगा राजकीय हिजला मेला महोत्सव, संताल परगना की संस्कृति की मिलेगी झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक आज बंगलुरु में जारी है। दो दिन की इस बैठक में G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बैठक में वैश्विक चुनौतियों के समाधान को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से बैठक की शुरुआत हुई। उन्होंने समावेशी विकास पर जोर दिया। Even as I convey my best wishes to you for a productive meeting, I am aware of the challenges you face. You represent the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The COVID pandemic has delivered a once-in-a-century blow to the global economy. Many countries, especially developing economies, are still coping with its after effects. We are also witnessing rising geopolitical tensions in different parts of the world. There are disruptions in global supply chains. Many societies are suffering due to rising prices, and food and energy security have become major concerns across the world. उधर मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आज तीसरा दिन है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी करेंगे। आज दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण सत्र में G20 देशों के डेलीगेट्स के बीच संस्कृति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में आज और कल संस्कृति से जुड़े चार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होनी है। वो चार विषय है सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए
डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना। आज दोपहर बाद डेलीगेट्स को न सिर्फ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के दीदार करवाए जाएंगे बल्कि हुनर हाट में कलाकारों की कला से भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही शाम को डेलीगेट्स खजुराहो में चल रहे नृत्य फेस्टिवल में भारतीय पारंपरिक नृत्यों और खासकर मलेशिया की कलाकार रमली की प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में सत्र के सुचारू संचालन पर जोर दिया जा रहा है और सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक के बाद विभागीय अधिकारियों और विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता पर बजट बाद एक वेबिनार को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट की प्राथमिकताओं की चर्चा की और कहा कि यह बजट वैश्विक बेहतरी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो, सरेखे नेता चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है, ऐसे में आज और कल रामगढ़ इलाके में धुआंधार प्रचार करने की सभी दलों ने मंशा रखी है। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की। छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उत्पादक समूह का गठन किया गया है। समूह से जुड़कर महिलाएं खेती के साथ कई तरह की स्वरोजगार कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। रांची जिले के बोड़िया की रहने वाली प्रमिला देवी की पहचान पहले घरेलू महिला के रूप में थी। इनके जीवन में बदलाव तब देखने को मिला जब यह महिला समूह से जुड़ी और फिर उत्पादक समूह का हिस्सा बनकर आज चीक्स मदर यूनिट का संचालन कर रही हैं। इनके यूनिट में आज लगभग 2000 चीक्स का पालन हो रहा है।
रिहर्सल टेस्ट के तहत ही मदर यूनिट खोले हैं। इस मदर यूनिट में हमारा भी 2000 चेक्स है, 1930 आसपास मेरे यहाँ सूजा है और इस सूजा को हम 22 दिन रखेंगे, 23 दिन में सप्लाई जाएगा। गांव में प्रमिला देवी और उनके जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने घर का कामकाज करते हुए अब खुद का स्वरोजगार खड़ा किया। बैंक लिंकेज की सुविधा मिल जाने से महिलाएं खेती बाड़ी तो कर ही रही हैं, साथ ही मुर्गी पालन, बत्तख पालन और छोटे मोटे दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। महिला को रोजगार दिया गया है और इस रोजगार से जोड़ दिया, काफी महिलाएं आगे हो रही हैं और साथ ही साथ तो पिछले हम भी एपीएस के रूप में ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी सीएलएम के द्वारा काम कर रहे हैं और लगभग अभी हम 3500 हैंडओवर करते हैं, देखते हैं। इलाके के ब्लॉक रिसर्च पर्सन संदीप साहू बताते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह और उसके बाद उत्पादक समूह ने गांव में खुशहाली का रास्ता बना दिया है। महिलाओं को बैंकों से आसानी से अब ऋण मिल जा रहा है जिससे वह मन मुताबिक खुद का स्वरोजगार करने लगी हैं। बैंक लिंकेज हो रहा है, इससे लोगों को पैसा की दिक्कत नहीं हो रहा, पैसा आ रहा है तो लोग रोजगार कर रहे हैं। जैसे कोई मुर्गी पालन कर रही है, कोई कृषि कर रही है, कोई दुकान खोल रही है, यानी छोटे छोटे अपना बिजनेस कर रही है, इससे है कि अपना इनकम खुद कर रही है। छोटे और सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान एफपीओ स्कीम के तहत मदद की जाती है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर झारखंड में बड़े पैमाने पर किसान अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर आज से राजकीय हिजला मेला महोत्सव शुरू हो रहा है। 3 मार्च तक चलने वाले इस मेले में संताल परगना की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज शाम इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। खबर खेल के मैदान से। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 5 रन से हरा दिया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की महिला टीम की चौथी हार है। इससे पहले टीम 2009, 2010, 2018 में भी सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कोडरमा के उर्वा में संचालित झील रेस्टोरेंट को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने अधिग्रहित कर लिया है।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि प्रकृति के बीच खूबसूरत इलाके में इस झील रेस्टोरेंट का इस्तेमाल वृहद पैमाने पर पर्यटकों की आवाभगत के लिए किया जा सकता था, लेकिन उसका इस्तेमाल अनैतिक कार्यों के लिए हो रहा था। ऐसे में एजेंसी का टेंडर रद्द होने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट होने तक जिला प्रशासन ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। जमशेदपुर के मानगो थाना हाजत में बंद एक आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया। घटना कल दोपहर बाद की है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसे जेल भेज दिया गया। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोहबारा गांव में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। अवैध हथियार निर्माण कार्य में संलिप्त मकान मालिक सहित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर छिपादोहर थाना प्रभारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में कुचीला, भट्टी मोहल्ला एवं खैराही टोला में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 40 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 60 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। पूर्वी सिंहभूम की डीसी विजया जाधव के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के विभिन्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट सोसायटी में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों की जांच की जा रही है। आग लगने जैसी आकस्मिक स्थिति में किस तरह से जानमाल का नुकसान को रोका जाए, इसका आकलन किया जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर डिस्पैच व रिसीविंग कार्यों को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा उपायुक्त ने की। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने मतदान के मद्देनजर सामग्री कोषांग का निरीक्षण भी किया। शेखर जमुआर ने गढ़वा के नए उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान उपायुक्त रमेश घोलप ने उन्हें चार्ज सौंपा। बाद में श्री जमुआर ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। गोड्डा जिले के उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारियों एवं अमीनों की सेवा संपुष्टि एसीपी एमएसीपी का लाभ देने के लिए जिला स्थापना स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में 59 कर्मियों के विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया गया। खूंटी जिले के उपायुक्त ने कृषि विभाग अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी योग्य किसानों को केसीसी से लाभान्वित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर लगाने तथा बैंक शाखा के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर बैठक करने के निर्देश दिए। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने किसान उत्पादन समूह डीएमसी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रखंडवार समूह गठन एवं वार्षिक प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारियों को इनके कार्यों में विविधता लाने के लिए साप्ताहिक कार्यशाला करने के निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही एक नई तकनीक 3D लेप्रोस्कोपी सर्जरी का प्रयोग झारखंड में पहली बार पारस अस्पताल में किया गया है। इस संबंध में पारस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ संजय कुमार ने बताया कि यह तकनीक पेट के अंदर की जाने वाली सर्जरी में बेहद लाभकारी साबित हो रही है। पहली बार 3D विजन कैमरा से और उसके द्वारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की गई है। 800 पेशेंट्स की ऑपरेशन हुई है और इसमें 3D विजन में ऐसा जैसे आप 2D सिनेमा देखते हैं आपको ये पता नहीं चलता गहराई कितनी है, लेकिन आप 3D पिक्चर जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डेप्थ कितनी है। तो पेट के अंदर जब सर्जरी होती है लैप्रोस्कोप के द्वारा तो अभी तक जो सिस्टम था उससे ये पता नहीं चलता था कि गहराई कितनी है, बट अभी ये जो 3D है उससे अब गहराई का पता चलता है। केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2023 से अग्निवीर की भर्ती में
फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन सामान प्रवेश परीक्षा होगी। अब से सेना की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण और अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा। अभी तक उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था, उसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण में था, लेकिन अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहला कदम होगा। सेना की भर्ती में बड़ी संख्या में आ रहे युवाओं की परेशानी को देखते हुए नए बदलाव किए गए हैं। इससे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। हमारे को अभी जो सेना को जरूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शरीर से भी व्यस्त लोगों की है, तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्जाम पैटर्न से जो अपने एग्जाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे, तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके साथ ही अग्निवीर तकनीकी भर्ती के लिए 12वीं की बजाय 10वीं के साथ ITI का 2 साल का डिप्लोमा मान्य होगा। सेना ने अग्निवीर की भर्ती में NCC और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को बोनस पॉइंट्स देने का प्रावधान किया है। 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। थल सेना ने साफ किया है कि भर्ती के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां सेना की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिससे युवाओं का पंजीकरण से लेकर परीक्षा देने में आसानी होगी। साल 2023 की भर्ती के लिए 16 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस साल की सामान्य प्रवेश परीक्षा अप्रैल के आखिर में देश भर में लगभग 176 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नई प्रक्रिया लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी जो 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक हैं। सुधीर यादव की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरें। कोयला मंत्रालय 24 फरवरी को 27 कोयला खदानों के लिए मॉक ई नीलामी आयोजित करेगा। इस ई नीलामी का उद्देश्य बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराना है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 36 कोयला खदानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और 2023 की ग्लोबल ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान देगा। वहीं वैश्विक विकास में इमर्जिंग मार्केट्स के साथ साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज की हिस्सेदारी करीब 80% होने की उम्मीद। जॉर्जीवा ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से बाहर निकाला। रेलवे माल ढुलाई एवं पार्सल ट्रेन में वस्तुओं को चोरी होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द ही OTP आधारित डिजिटल लॉक प्रणाली का उपयोग शुरू करने वाला है। इस प्रणाली का आमतौर पर ट्रक में इस्तेमाल किया जाता है जहां एक स्मार्ट लॉक मुहैया किया जाता है जिसमें GPS लगा होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया। अब NSE के ताजा निर्णय के अनुसार ब्याज दर वाले डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए कारोबार का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। यह फैसला आज से प्रभावी हो जाएगा। मौजूदा समय में अनुबंधों पर सौदे सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के लिए किए जा सकते हैं। हालांकि अन्य ब्याज दर यानी कि डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए कारोबारी समय में कोई बदलाव नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। SD3385 नामक गेहूं की ये नई किस्म जल्द ही बुआई के लिए अनुकूल है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन गिरिडीह जिले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बेडमुक्का गांव में जल मीनार बनने के बाद भी लोग दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
गिरिडीह सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बेडमुक्का गांव के सैकड़ों की आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक वर्ष पहले इस योजना का काम यहां पूरा किया गया और उसी दिन पानी नल से भी मिला। ग्रामीणों का कहना है कि लेकिन अब जल मीनार बनने के बाद भी वे लोग दूर से पानी लाकर पीते हैं। हम लोग यहाँ पानी अभी तक नहीं मिल रहा है, जब से टंकी बने तब से जाना पर है वो डीलरवा काला से, कल से पानी ना आया रहने पाइप से। तो घर में जाइए टंकी बैठल तो पानी एक बूंद हमने ना आओ, हमने तो 2 किलोमीटर से पानी आने लगो। आओ ये तो नहीं है कोरोना ना करे तेरे से तो फोन ले सब पानी है फिर बिना पानी के भी थी। हां जब से ये जल मीनार बना है तब से जरा सा भी पानी हम लोग को आज तक नहीं मिला। जब से बना है तब से नहीं मिला, भर से लगभग ज्यादा हो गया। पेयजल स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता विक्रम प्रसाद मंडल से जब इस योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कनीय अभियंता को ये आदेश दिया गया है कि गांव में तुरंत पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जल से जल उस संवेदक से बातचीत किया है, जल से जल इसका निराकरण कर लिया जाए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के हर घर में शुद्ध जल नल के माध्यम से देने के लिए अपना खजाना खोल रखा है, लेकिन गिरिडीह में कहीं न कहीं ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में समूह से जुड़ी कुछ महिलाएं अचार, मुरब्बे, सॉस और जैम आदि का निर्माण करती हैं। इनके हाथों से बने मशरूम के अचार और मुरब्बे आजकल काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये काम इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है। अचार, मुरब्बे, सॉस और जैम हमारे खानपान का अहम हिस्सा है, लेकिन आप में से कम ही लोग होंगे जिन्होंने मशरूम का अचार और मुरब्बा चखा होगा। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि रांची के प्रेरणा समूह की महिलाएं स्वाद और सेहत से भरपूर ये चीजें तैयार करती हैं। समूह की प्रमुख रेखा कुमारी बताती हैं कि उनके द्वारा खाने पीने के करीब 200 आइटम तैयार किए जाते हैं जो रांची के कई घरों की थाली का अहम हिस्सा है। जो इसमें मुख्य है जो ये आपका मशरूम है, मशरूम का अचार, मशरूम का जैम, मशरूम की जेली, मशरूम का मुरब्बा और मशरूम का तो बहुत सारे आइटम है, लेकिन इतना प्रमुख आइटम है जो हम बनवाते हैं। स्वावलंबन की राह में अपने 12 वर्षों के सफर में रेखा ने न सिर्फ अपने व्यवसाय को बड़ा आकार दिया बल्कि इस सफर में साथ चलने वालों का कुनबा भी बड़ा हो गया। रेखा कहती है कि अब उनकी मेहनत की तारीफ होती है तो हौसला और दोगुना हो जाता है। लड़कियों को सिखाने के बाद हम अच्छे स्तर पे हैं, जो चार मतलब 10-15 लड़कियों को, 20 लड़कियों को हम रोजगार भी दिए हैं और वो लोग भी अच्छे काम कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार का जरिया तो मिला ही, अपने भीतर के हुनर को तराशने का मौका भी, उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की एक ललक भी जगी है। लेकिन जब से यहाँ से हम जुड़े हुए हैं तो नया नया चीज सीखने को भी मिला है और घर बैठे एक होता है वो रोजगार। जब हम बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे तो हमें फर्स्ट टाइम लगता था, तो इसी टाइम को जो खाली टाइम था तो यहाँ पे आके बहुत सारा नया नया सीखने को मिल रहा, ताकि बाद में ये अपने काम के लिए कि हम जो भी यहाँ चीज बनता है वो सब घरेलू मतलब खाने का चीज है, तो डेली तो यूज होता है, आदमी खाता ही है, तो स्वाद अच्छा रहेगा तो आदमी मार्केट में ज्यादा लेगा, तो हम इसको बना के मार्केट में बेच सकते हैं। जिसको मेरा रंग से रंग मिलते हैं तो तस्वीर बनती है और हाथ से हाथ मिलते हैं तो तकदीर बनती है। अपने साथी महिलाओं को साथ लेकर सबकी तरक्की का जो रास्ता रेखा जी ने चुना है वो वाकई काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बंगलुरु में शुरू हुई G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक जारी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में कल थमेगा चुनाव प्रचार, सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत।